सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिलवाग हीरा आज आपके लिए लेके आया हूँ भजन। श्री राम जी का एक बहुत ही प्यारा भजन, सजा दो घर को गुलशन सा, अभद में राम आए हैं। सो पहले मैं एक बार इसे गा करके बता दे रहा हूँ और स्लो स्लो गाऊंगा ताकि मतलब आप ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो देख कर ही सीख जाए। उसके बाद मैं स्लो स्लो इसको बताऊंगा आपको, मैंने रिदम भी लगा रखी है ताकि रिदम में आपको समझ आ जाए। सो जय किशोरी जी ने जो गाया है वो है ए शार्प से, बट हम इसे अभी मेल स्केल और फीमेल स्केल जो आसानी से गा सकते हैं, मैं अपने हिसाब से अभी इसे ई शार्प से कर रहा हूं। और आओ स्लो स्लो इसको गा रहे हैं और उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, अबद में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अबद में राम आए हैं। अबद में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अबद में राम आए हैं, मेरे सरकार हरी को गुलशन सा, अबद में।
भजन इस तरह से इसे गाते हैं। बहुत ही आसान सी कंपोजिशन है और बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी नहीं है, बहुत ही भाव के साथ आराम से गाने वाला ये भजन है। दूसरा ब्लैक जिसे बोलते हैं, सा रे शुद्ध गा शुद्ध धा नी सा, मतलब मा इसमें तीव्र और शुद्ध दोनों है। सो ये राग कल्याण में भजन है, सो इसे राग कल्याण के स्वरों में गाया गया है। सो आओ पहले देखते हैं स्थाई। सजा दो ससा मगा पा, मा तीव्र से पा, सजा ससा मगा मा तीव्र गा शुद्ध, सजा दो ससा मगा मा पा, सजा दो घरी को पामा घरी को गुलचन सा। अभी मा शुद्ध का इस्तेमाल इसमें हुआ है, घरी को मा पा गुल गुलचन पामा गामा गा, मा तीव्र और मा शुद्ध दोनों देखो कैसे इस्तेमाल है, गुलचन पामा गामा, मा शुद्ध पे जाके खड़ जाना है। सो पूरा सजा दो घर को गुलचन सा, सा मतलब गा स्वर पे आए हैं, सजा दो सा सा मगा मा पा, सजा दो घर को गुलचन सा, अब दुनी तीवर मामा पागारे राम पारे। पूरी लाइन देख लो एक बार, सजा दो घरी को गुलचन सा, अब दिल राम पारे ऊपर जाएगी ये, मतलब सा के हिसाब से जो नी स्वर बनेगा, अवध में नी 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 धा, अवध में सो नी शुद्ध धा, अवध में राम अवध में राम राम दासा नी, ऊपर वाला सा राम दासा नी राम 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 दासा नी धा, धा पे आके रुकेंगे राम पामा मा तीव्र पूरा लाइन देख लो, अवध में राम अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार मामा मातानी, मेरे सरकार मामा मेरे सर मामा
ब्राह्मण नीधा नीधा ब्राह्मण रण आए हैं, पापे जाके रुक जाएंगे। पूरी लाइन देख लो, मेरे सरकार आए हैं, फिर नीचे आ जाएंगे उसी फ्लो में, मेरे सर। ज्यादातर मां तीव्र का ही इस्तेमाल है, अगली पंक्तियां है, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, सजा दो घर को गुलशन सा वाली ट्यून पे, अवध में ये तक पूरा इसका स्थाई एक बार मैं बजा रहा हूं। जो ऊपर वाली लाइनें हैं उसी पे अंतरा चलेगा, इसमें नया कुछ भी ऐड नहीं होना, उसी पे अंतरे चलेंगे, एक बार मैं बजा के बता रहा हूं। और इसी पूरे स्थाई में ही जो ऊपर वाली ट्यून है जो नी से शुरू होके नीचे तक आई है उसी में अंतरे चलेंगे। अभी ये पूरी हमारी कॉम्पोजिशन हो चुकी है, अभी देखो आप एक बार स्थाई बजा रहा हूं मैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अब अभी नी से ही शुरू होंगे जैसे ये ट्यून ऊपर गई थी, एक बार मैं बजा के बता रहा हूं एक अंतरा, फिर आप उसी हिसाब से समझ जाओगे। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, अभी समझ गए होंगे आप, पखारो इनके चरणों को बहाकर वाली ट्यू से मिलने के लिए, बिछा दो अपनी पलकों को, सजा दो घर को गुलशन सा वाली ट्यून पे ही अजय, बिछा दो अपनी पलकों को, अब पूरे भजन की नोटेशन मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा कंफ्यूजन इसमें कुछ भी नहीं है। स्थाई अगर आपको आ जाएगा, स्थाई के दो तीन जो भी वेरिएशंस हैं, पहला तो यहां से वाला, दूसरा नी से वाला, अगर वो आ गया तो पूरा भजन आपको आ जाएगा। सो इसी के ऊपर अगले अंतरे बैठते जाएंगे, सो बाकी आपको सुन के समझ आ जाएगा। ये ट्यून आप बार बार सुन लो और उसके बाद आप इसको गाने लग जाओगे। जो नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे प्रेयर्स, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं।